सर वो नहीं समझ आ रहा कि बिजनेस को क्या फायदा होगा। अच्छा, मैं बता देता हूँ। चलो, अभी फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, मसला नहीं है। देखो, अगर कस्टमर मुझे टाइम से जल्दी पे कर रहे हैं तो मेरे पास कैश ज़्यादा आएगा, जी कैश फ्लो इम्प्रूव होगा, या ये कह सकते हैं कि लिक्विडिटी इम्प्रूव होगी बिजनेस की इस चीज़ से। नुकसान जी सर, भी तो है, लेकिन कोई शायद होगा यार उसका, अगर मैं इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर दूँ कस्टमर से। तो सर मतलब बहुत सर, क्योंकि इंटरेस्ट कोई ऐसा होगा जो मतलब जो ऊपर का इंटरेस्ट पे नहीं कर सकेगा, वो आपकी सर्विस लेना छोड़ देगा। हाँ, और हो सकता है कोई ऐसा कंपीट। हाँ, तुम बोलो तुम बोलो। तो सर मतलब जो इंटरेस्ट के पैसे होंगे वो भी नहीं आ रहे होंगे, और जो मतलब जो रियल अमाउंट होगी वो भी नहीं होगी। सही, अच्छा पॉइंट है। और ये भी तो हो सकता है कि वो ऐसे कॉम्पिटिटर के पास चला जाए जो इंटरेस्ट चार्ज ना करता हो, जो टाइम भी ज़्यादा देता हो, तो फिर आप जी अपना रेवेन्यू लूज करेंगे जी और प्रॉफिट डिक्रीज होगा उससे। चलो, है तुमने एनालाइज कर लिया, ये गुड इनफ है इस स्टेज पे। आंसर मैं लिख के दिखाता हूँ, सही है इसका। ठीक है सर। ये क्वेश्चन में बढ़ रहे, ज्यादा ज्यादा मार्क्स वाले भी अभी होंगे, 8 मार्क्स वाले, 10 मार्क्स वाले भी होंगे ये कुछ टॉपिक्स में। ये तो अभी जरा बहुत आसान है। अच्छा, एक और भी है। मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर कस्टमर अर्ली पे कर रहे हैं ना, तो रिस्क ऑफ बैड डेट भी कम हो जाता है। तो बहुत पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन आपको लिखने से 3 2 पॉइंट्स है और 1 मार्क्स एडवाइस का है। जी तो सर वो भी मतलब अगर जैसे फॉर एग्जांपल हमें हाँ, ऐसे ही कोई एडवाइस के लिए आ जाए और हमारे जहन में और कुछ नहीं आ रहा, तो हम 1 पॉइंट से ही बैड डेट्स का भी डाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कस्टमर से पे लिया तो कैश फ्लो बिजनेस लिक्विडिटी और अकाउंट में लॉन्ग स्टोरीज नहीं लिखनी, तो काम की बात लिख दी बस काफी है। हाउएवर, जी या मैं तुम्हारा वाला ही पॉइंट लिखूंगा, 10 महीना विल। रेवेन्यू कम, इसे रखने का, रेवेन्यू कम हो रहा है तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, सही है। प्रॉफिट से लिंक कर देना है। अब इनकम स्टेटमेंट पढ़ोगे आगे और क्लियर हो जाएगा। बस ये लिखना था 3 मार्क्स के लिए, वो तो कुछ बच्चों की राइटिंग बड़ी होगी तो उसने लाइनें ज्यादा दे दी है। जी सर, बस एक एडवांटेज, एक डिसएडवांटेज और 1 मार्क्स एडवाइस का। तो जैसा मार्क्स है ना, उसके हिसाब से प्लान करके चलना आंसर। कोई ओके सर, 8 मार्क्स 10 मार्क्स वाले भी आएंगे तो हम बताएंगे क्या करने। तो अगर नोट डाउन कर लो आंसर तो अच्छा है, या पिक्चर लेनी है, वट एवर। सर पिक्चर ले। हाँ, जो अच्छा लगे, मुझे कोई मसला नहीं है। नहीं, तुमने एनालिसिस अच्छा किया फर्स्ट टाइम के हिसाब से, तुमने पॉइंट्स अच्छे सोचे, बस थोड़ा सा और इलेबोरेट करना होता है उनको, सही है। जी सर, चलो, थ्योरी वैसे शायद तुम संभाल लोगे एक हद तक, मुझे लगता है। अच्छा, ये भी होता है बाजू का ना, कैलकुलेशन किसी क्वेश्चन में हो सकता है बहुत मुश्किल आए, तो उस केस में ना वो थ्योरी का पार्ट आसान देगा उस क्वेश्चन में, तो इस तरह भी अपने आपको बचाया जा सकता है। इसलिए थ्योरी को सीरियस लेना इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन फाड़ोगे तो थ्योरी ओके आसान होगी सवाल में, ये भी पता चलेगा आगे जाके। बिजनेस स्टडीज में भी ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होगे डेटा रिस्पांस में।
जी कभी एडवाइस और डिस्कस वाले में दो टू साइडेड लिखना होता है, वन साइडेड लिखे तो आधे मिलेंगे सर। हो गया पिक्चर जी लिरिकल, सर बस सही है। जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जरा। सही है, अब ये क्वेश्चन है, जरा रीड करो। अच्छा एरर इस तरह रीड करने के, एक एरर तुम पढ़ोगे फिर हम उसको डिस्कस करेंगे फिर आगे बढ़ोगे तुम, सही है? ठीक है सर। सही है, स्टार्ट करो रीड करना। CROD provided the following information for the year ended 30 April 2017. Sale ledger control account balance 93,185. Sale ledger balances 78,370. The following errors were identified. Number one, the sale journal total has been overcast by $34.20. सर एक एरर रीड कर लिया। हाँ, वन बाय वन करोगे फिर उसको, फिर से थोड़ी झिक झिक बहस करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। सही, अब करो एरर वन। जी सर। सर एरर वन रीड कर दिया ना, द सेल जर्नल टोटल हैज बीन ओवरकास्ट बाय $34.20। अच्छा अब ये एरर कंट्रोल अकाउंट का या सेल्स लेजर का है, पहले तो ये सोचना है हमें, हर एरर में ये सोचना है। मैंने बताया था सेल्स जर्नल अगर बोल रहा है तो उसका मतलब क्या, और टोटल उसने खुद लिख दिया, और जी मेहरबानी गलती की उसने टोटल भी मेंशन कर दिया, तो ये कंट्रोल अकाउंट का एरर है या सेल्स लेजर का एरर है? सर कंट्रोल अकाउंट। बेशाबाश। अच्छा, सेल्स मैंने ओवरकास्ट किए कंट्रोल अकाउंट में, तो उसका मतलब क्या है? अब इसके लिए पता होना चाहिए कि सेल्स को हम कंट्रोल अकाउंट में डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं। सेल्स को सर क्रेडिट और डेबिट, सॉरी हाँ डेबिट करते हैं, तो इसने डेबिट ज्यादा करा दिए होंगे एक्स्ट्रा 30,420 कंट्रोल अकाउंट में, जी तो उसकी करेक्ट इसलाह कैसे कर सकते हैं? सर कंट्रोल अकाउंट से भी चेंज करेंगे इसे। और नहीं, कंट्रोल अकाउंट का एरर है सिर्फ ये, सेल्स जनरल टोटल। सेल्स जनरल टोटल का मतलब है, मैंने कल भी बताया था कि सिर्फ कंट्रोल अकाउंट में इसकी करेक्शन की जाएगी और कहीं नहीं। जी तो कंट्रोल अकाउंट में कैसे करेक्शन करेंगे इसकी, हमने बिला वजह एक्स्ट्रा डेबिट करा दिए 30,420, तो अब करेक्शन के लिए क्या करूं? करेक्शन के लिए देखो मैंने डेबिट साइड में ज्यादा ले लिया ना 30,420, तो उसकी करेक्शन कैसे कर सकते हैं ये सोचो। सर वो क्रेडिट साइड पे मतलब सर इक्वल कर दे। हाँ क्रेडिट साइड क्रेडिट कर देंगे 3,420, तो डेबिट साइड में थ्री जी जीरो फोर टू जीरो है, क्रेडिट साइड में 30,420, एक दूसरे को काट देंगे, वो कैंसिल आउट कर देंगे। सही है, तो करेक्शन हो जाएगी, कैंसिल। इसलिए इसको क्रेडिट करना पड़ेगा कंट्रोल अकाउंट में 30,420 को। सही है, सही सर। जरा एरर टू पढ़ना। A dishonor check for $9,745 has not been entered in the customer's account. एपोस्ट्रोफी एस कस्टमर अकाउंट है, तो ये कहाँ एरर किया होगा हमने? क्रेडिट में? नहीं, एरर किया कहाँ है हमने, यानी कंट्रोल अकाउंट में किया है या अच्छा सेल्स लेजर कंट्रोल में? अकाउंट, कंट्रोल अकाउंट। गलत यार, मैंने कल बताया था कि अगर इंडिविजुअल डेटर, इंडिविजुअल क्रेडिटर, इंडिविजुअल कस्टमर अगर वो बोल रहा है, ये एपोस्ट्रोफी एस कस्टमर का मतलब पता है? कस्टमर्स, इसका मतलब बताओ मुझे, ओ लेवल की इंग्लिश पढ़ी होगी। मतलब सर बहुत सारे कस्टमर्स। अबे यार, ओ लेवल की इंग्लिश पढ़ी है तुम लोग को, ये भी बताना कसम से पड़ेगा। एपोस्ट्रोफी एस का मतलब है कि पजेसिव प्रोनाउंस अगर पढ़े हो तो एक कस्टमर की बात कर रहा है वो, जी
ये कस्टमर्स के साथ एस तो लगा हुआ है, एपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब है एक कस्टमर का अकाउंट। जैसे अगर मैं कहूँ वलीद वलीद सेल नंबर, तो उसका मतलब मैं कह रहा हूँ कि सर वलीद का मोबाइल नंबर, मैं दर्जनों वलीद के नंबरों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये एपोस्ट्रोफी जी एस का मतलब है एक कस्टमर। अच्छा, एक कस्टमर के अकाउंट में गलती की है, तो फिर कहाँ करेक्ट, ये कहाँ एरर किया हमने? सेल्स लेजर, हाँ, तो उसको सेल्स लेजर में ना हम लेना भूल गए, तो डिसऑनर चेक क्या के के डिसऑनर चेक लिया नहीं, तो इसको करेक्शन कैसे करेंगे? सर इसका इसको भी सर कंट्रोल अकाउंट से सही करेंगे। अभी मैंने बताया कि सेल्स लेजर बैलेंस के अंदर एरर है, तुमने खुद भी कहा हाँ सर सेल्स लेजर बैलेंस की गलती है, तो उसकी करेक्शन सेल्स लेजर बैलेंस में करनी पड़ेगी ना, कंट्रोल अकाउंट में क्यों जी करूंगा करेक्ट मैं इसको? बार सर ये बार कितना एक चीज बता रहे कंफ्यूजिंग है हो, सर। तुम लोग पढ़ो ना बेटा बैठ के घर में, बस समझते हो कि क्लासेस लेके जो है वो काम चल जाएगा। एक तो वैसे ही तुम लोगों ने यार लेट बहुत करा है, तो खुदा के लिए थोड़ा घर में पढ़ो बैठ के, 3 मई का तो पेपर है, क्या बनेगा तुम लोगों का? मुझ पे भी तो प्रेशर है ना, इतना सारा कोर्स खत्म कराने का तुम लोगों में, तुम लोग की चलो एक 4 क्लासें रख दी 3, जबकि इंस्टीट्यूट ने सब 3 के लिए कहा है, तो तुम लोग भी तो बदले में कुछ करो ना, घर में टाइम निकालो, जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसको जरा घर में पढ़ो बैठ के सही से, कुछ तो कम से कम एक बार तो देखो उसको बैठ के चीज़ों को। तुम लोग पिछली क्लास की चीज़ें भूल रहे हो, तो मेरा टाइम वेस्ट होता है, वही चीज़ें दोबारा रिपीट करनी पड़ती है, तो पढ़ाने का फ़ायदा क्या है फिर? तुम लोग ज़्यादा मेहनत करो ना, अब लेट हुआ है तो घर में पढ़ना पड़ेगा ज़्यादा। हर चीज़ यार मैंने नोट्स में डाली हुई है, हर चीज़ नोट्स के अंदर गिवन है, नोट्स खोल के देखो तुम लोग, मोबाइल में भी खोल सकते हो, लैपटॉप में खोल सकते हो, टैबलेट में खोल सकते हो। कल जो कल चीज़ें पढ़ाई है वो आज फिर रिपीट करनी पड़ रही है, तो फ़ायदा क्या हुआ था कल की क्लास का? मेरा तो टाइम वेस्ट हुआ ना, फिर वही चीज़ें फिर पढ़ानी, तो मैं पढ़ाता ही नहीं, इससे बेहतर है कल। चलो एरर एड्रेस करने मुश्किल हो रही है वो समझ आती है बात, तुम लोगों को तो यही याद नहीं कि कस्टमर अकाउंट जो है सेल्स लेजर में करेक्शन होगी उसकी, ये भी रिपीट करना पड़ रहा है सारा। तो इसको सेल्स लेजर में करेक्ट करना है। अब ये पता है कि डिसऑनर चेक को हम कहाँ लेते हैं, अब ये तो पता होना चाहिए कम से कम। अभी तो तुम लोग अंदाजा नहीं किस कदर बड़ा कोर्स है अकाउंट्स के एएस का, खत्म हो जाओगे पढ़ते पढ़ते। अब ये तो बताओ कम से कम कि डिसऑनर चेक डेबिट होता है या क्रेडिट होता है कंट्रोल अकाउंट में, अब ये तो याद होना चाहिए तुम लोगों को, या ये भी याद दिलाना पड़ेगा? सर 1 मिनट, नोट जाके देख रहे हो ना, तो याद क्यों नहीं एंट्री? ये तो मैंने पिछली पिछले से पिछली क्लास में पढ़ाया था एंट्रीज तो मैंने। अब यही तुम लोग को एंट्रीज ही बेसिक याद नहीं है कि डेबिट करना है क्रेडिट करना है, तो उसकी करेक्शन कैसे करोगे एरर्स की? तो पढ़ना चाहिए था ना एंट्रीज को बैठ के घर में। एंट्रीज ही याद नहीं यार बेसिक तुम लोगों को, पढ़नी थी ना घर में बैठ के। देखते रहो बेटे नोट से, ये डिसऑनर चेक डेबिट हो गया क्रेडिट होगा। सर डिसऑनर चेक क्रेडिट होगा। जरा नोट्स पे देखना जाके, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, अगर नोट्स पढ़े होते तो ये जवाब नहीं देते मुझे, तुम लोग को यही बताते रहो डिसऑनर चेक डेबिट की। भाई मैं रिपीट करता रहूँ पिछली क्लास की चीजें, कोर्स खत्म होगा कैसे, इतने सारे चैप्टर है यार, तुम लोग क्यों नहीं पढ़ते पिछली क्लास का? बल्कि पिछले से पिछली क्लास कभी नहीं पढ़ा गया, पिछली पिछली दो दो क्लास पहले की चीजें मैं रिपीट करता रहूँ क्लास में, तो कोर्स कैसे खत्म होगा तुम लोगों का? जाओ देखो जाके नोट्स में कि डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, टाइम वेस्ट हो रहा है तुम लोगों की वजह से। बेसिक याद नहीं है इन लोगों को।
अब बताना याद है डिसऑनर्ड चेक डेबिट होता है क्रेडिट होता है कंट्रोल अकाउंट में? क्रेडिट और डेबिट, सॉरी। तो तुम लोग देख लो अपना हाल, कोर्स फ्लो हो रहा है ना, तुम लोग को यही चीजें रिपीट करता रहे तो अच्छा। तो इसको सेल्स लेजर में डेबिट कराना पड़ेगा, सही है। अब एरर 3 पढ़ो। इंटरेस्ट चार्ज ऑन एन ओवरड्यू अमाउंट $720 हैज बीन कंप्लीटेड completely omitted from the books of account. अच्छा, completely omitted from the books of account, चलो बता दिया वैसे भी पिछले सवाल में ना कि ये दोनों जगह करेक्शन होगी इसकी। इंटरेस्ट चार्ज याद है कि कहाँ डेबिट करते हैं क्रेडिट करते हैं कंट्रोल अकाउंट में और सेल्स लेजर में भी। हाँ, इंटरेस्ट चार्ज डेबिट होता है क्रेडिट होता है सर? डेबिट। हाँ डेबिट होता है। अच्छा, कंप्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो यहाँ भी इसे एट डेबिट कराना पड़ेगा, सेल्स लेजर में भी डेबिट कराना पड़ेगा, सही है। पॉइंट 4, द सेल्स रिटर्न जर्नल हैज बीन ओवरकास्ट बाय $45.60। अच्छा, अभी ना टोटल रिटर्न इनवर्ट्स की बात कर रहा है। सेल्स रिटर्न जनरल में मतलब है कि टोटल जो रिटर्न इनवर्ट्स है ना उसको उसने ओवरस्टेट कर दिया 4560 से। जी, तो सेल्स रिटर्न जनरल है ना, सेल्स रिटर्न एक कंट्रोल अकाउंट में जाती है फिगर, तो कंट्रोल अकाउंट में उसने रिटर्न इनवर्ट ज़्यादा ले लिए 4560 से। तो अब इसको करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? अब उसके लिए ये पहले पता होना चाहिए कि रिटर्न इनवर्ट्स डेबिट होता है क्रेडिट होता है कंट्रोल अकाउंट में। होना चाहिए
सर रिटर्न इनवर्ड डेबिट। खैर बाबा गुस्सा करने की मुझ पे भी एनर्जी नहीं है, तुम लोग भूलते रहो जो है रिटर्न इनवर्स क्रेडिट होता है, जबकि अभी पिछले सवाल में ही बताया मैंने, पिछले सवाल में करके दिखाया तुम्हें, तो पिक्चर भेजी मैंने और तुम फिर भूल गए। तो लग रहा है तुम लोगों को पेनल्टी देनी पड़ेगी, ऐसे सुधरोगे नहीं तुम लोग, वो तो आए ही नहीं क्लास लेने। मैं पागल हूँ जो उठ गया पहले से क्लास लेने, और इतने घंटे मैंने बताया तो कोई मसला था तो बताना चाहिए था। द सेल्स रिटर्न जनरल हैज बीन ओवरकास्ट, तो क्रेडिट साइड पे रिटर्न इनवर्स लिया जाता है, तो क्रेडिट साइड पे हमने 4560 एक्स्ट्रा ले लिए बिला वजह के, तो अब उसकी कंट्रोल अकाउंट में करेक्शन कैसे हो सकती है? सर उसको डेबिट साइड पे भी ले लेंगे तो इक्वल हो जाएगा। अब डिस्काउंट, अब ये एरर 5 पढ़ना जरा। डिस्काउंट अलाउड ऑफ डॉलर 1520 हैज बीन कंप्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट। Discount allowed had been completely omitted from the books of account. अब तुम बताओ कि इसकी सिर्फ किसी एक जगह करेक्शन होगी या दोनों जगह करेक्शन होगी? दोनों जगह का मतलब कंट्रोल अकाउंट एज वेल एज सेल्स लेजर, क्या दोनों में इसकी करेक्शन होगी या सिर्फ किसी एक चीज में करेक्शन होगी? सर दोनों जगह होगी। दोनों जगह होगी। अब डिस्काउंट अलाउड याद है कि कहां ले, कौन सी साइड में लेते हैं कंट्रोल अकाउंट में, क्रेडिट में या डेबिट में? डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट, हाँ क्रेडिट होता है, तो दोनों पे क्रेडिट करना पड़ेगा। अब एरर 6 में आ जाओ। रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स एंटर्ड इन द कैश बुक हैड बीन कंप्लीटली ओवरकास्ट बाय डॉलर 18965। अच्छा रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स इन द कैश बुक, इसका जरा याद रखना। रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर जो कैश बुक में दिया हुआ होता है ना, वो टोटल दिया हुआ होता है, सही है जी? उस टोटल ओवर रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स को ना हमने ओवर ओवर मेंशन कर दिया 18965 से, तो कंट्रोल अकाउंट में हमने क्या गलती की होगी? ये कंट्रोल अकाउंट के एरर की बात कर रहे हैं, पहले ये सोचो कि हमने गलती क्या की होगी। अगर मैंने ओवरकास्ट किया है 18965 को और कैश बुक की फिगर जो है कंट्रोल अकाउंट में जाती है, तो ये रिसीट फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स की हमने क्या गलती की होगी कंट्रोल अकाउंट में, पहले तो ये सोचना है, उसके बाद ही सोल्यूशन आएगा दिमाग में। सर ओवरकास्ट मतलब ज्यादा ले लिया। हाँ ज्यादा ले लिया, ये ओवरकास्ट ज्यादा ले लिया। तो सर इसको भी मतलब वो ऑपोजिट साइड पे इसको इक्वल रख देंगे। हाँ तो पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि हमने गलती किस साइड में की होगी, क्योंकि रिसीट, ये तो पहले ये पता होना चाहिए कि रिसीट फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स आता कौन सी साइड में। सर वो तो उसमें क्रेडिट में आता है। क्रेडिट में आता है, तो क्रेडिट साइड में ज्यादा लिए होंगे 18965 जी, तो डेबिट में 18965 ले लेंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बस सही है। एरर 7 पढ़ो। An irrecoverable debt of 1825 has been written off in unsealed ledger account, in unsealed ledger control account, but no entry had been made in customer's account. अब फिर देखो वही customer apostrophe s वाली चीज रिपीट हुई। जी। वो कह रहा है, खुद कह रहा है कि control account में मैं इसको pass कर चुका हूँ, सही है, but no entry had been made in the customer's account. तो ये करेक्शन कहाँ की जाएगी इसकी, यानी ये एडजस्टमेंट होगी कहाँ, कंट्रोल अकाउंट में या सेल्स लेजर में? कंट्रोल अकाउंट। अभी मैंने एरर 2 में रिपीट किया था, एपोस्ट्रोफी एस वाले कस्टमर का मतलब है कि एक कस्टमर की बात कर रहा है वो, तो इसका जी मतलब सर सेल लेजर, सेल लेजर। डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे? इररिकवरेबल डेट है, तो बैड डेट में भी बल्कि पढ़ा था हमने irrecoverable debt, credit, हाँ credit करेंगे इसको वहाँ sales ledger balance में। जी देखो 11 marks उसने इसी चीज के दे दिए। अच्छा यहाँ पे वही मसला है कि address वाला issue है सर। हाँ
ये जो सर जो आपने ऊपर जो एरर्स वो किया ना, तो सर इसको फिर हम इसके आंसर्स कैसे देंगे? मतलब समझा नहीं मैं। मतलब जैसे अभी हमने इसके आंसर्स डिस्कस किए ना, तो हाँ फिर इसके आंसर्स हम मतलब के कहाँ पे देंगे? नीचे जो टेबल दिया है इसमें देंगे सर आंसर्स हाँ इसके? हाँ ठीक बिल्कुल, टेबल में एड लेस सर, में शो करना है। अब आई होप सो याद होगा कि एड में कौन सी फिगर्स आएंगे, लेस में कौन सी फिगर्स आएंगे। तो कंट्रोल अकाउंट में करके दिखा रहा हूँ उसमें, सही है? फिर तुम ये सेल्स सर लेजर तुम संभालना जरा, तो 11 मार्क्स मिल जाएंगे हम दोनों को। अच्छा देखो, ये 15 मार्क्स का होता है क्वेश्चन 2 ना, तो देखो कंट्रोल अकाउंट से अगर ढंग से पढ़ा हुआ हो तो 11 मार्क्स तो बैठे बिठाए मिल रहे। और 4 मार्क्स की रट्टे वाली थ्योरी है, डिस्कस एडवाइस का भी सवाल नहीं है इवन इसमें। तो एग्जामिनर बैलेंस करता है, किसी क्वेश्चन में थ्योरी ज़्यादा देगा, किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज़्यादा देगा, ताकि हर टाइप का बच्चा ना पेपर पास कर सके। इसीलिए अच्छा यही क्वेश्चन खोलना होगा तो मैं अपने पास, ताकि मैं नीचे पे कर सकूँ उसको टेबल में। ये एक नवंबर मिनट 17 सर, का QP 22 है। मेरे पास सर टॉपिकल है तो हाँ वहां से मुझे देख थोड़ा लो, निकालने में टाइम लगेगा सर। उसमें कंट्रोल अकाउंट दिया हुआ होगा, उसमें नवंबर 17 का पेपर 22 का, ये कौन सा ट्रॉट के नाम से है, मिल जाएगा आराम से। नुमान मलिक का सॉल्व उसमें टॉपिकल में। जी नोमान मलिक के सर। अच्छा बस एक एहसान करना मुझ पे, खुदा के लिए उसके जी सर, सॉल्यूशन कभी नहीं देखना होमवर्क के क्वेश्चंस पे, लेना ना थ्योरी के। अगर जी सर, होमवर्क के क्वेश्चन कर लें, ये टिप मैं अभी दे रहा हूँ, होमवर्क के क्वेश्चन अगर कर लिए ना और सॉल्यूशन देखने का शौक है कि मेरा सही है या नहीं है, तो मार्क स्कीम से देखना है जाके। ठीक है सर। मार्क स्कीम से थ्योरी के भी इवन आंसर मार्क स्कीम से ही मैच करवाने, और अगर मार्क क्यों स्कीम से सर इसके मैच उससे क्यों नहीं? बाज का एक्यूरेट नहीं होते उसके। और थ्योरी में ना मसला क्या होता है, अभी एक चीज आगे जाके दिखाऊंगा कि कुछ थ्योरी के क्वेश्चन बहुत ओपन एंडेड होते हैं, उसमें कोई कुछ लिखेगा कोई कुछ लिखेगा, तो उसमें एग्जामिनर ने ना एक्सेप्ट द वैलिड पॉइंट्स की क्लॉज देता है। इसका मतलब यह है कि अगर मार्क स्कीम में आपका मार्क कोई पॉइंट नहीं भी मैच कर रहा ना, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से वो रेलेवेंट पॉइंट्स हैं, तो आपको यार स्टिल मार्क्स मिलेंगे। अब अगर नुमान मलिक के रेड स्पॉट के बच्चे थ्योरी के आंसर पढ़ना शुरू कर देते हैं ना, तो उनकी थिंकिंग बहुत लिमिटेड हो जाती है और वो बस उन्हीं पॉइंट्स को सही समझने लगते हैं, तो फिर वो खुद से अपने लिए थिंक नहीं कर पाते यार, ये बड़ा मसला होता है। इसलिए मैं ये ठीक है सर, इनके खुदा के लिए थ्योरी के आंसर नहीं पढ़ना भाई। और जी सर, कैलकुलेशन मार्क स्कीम से देखो, बाजू का अपने भंड भंड मार रहे होते हैं, उन्होंने गलतियां भी करी हैं, क्योंकि मेरे स्टूडेंट यूज करते थे पास में नुमान मलिक। तो अपने जो टॉपिकल के लिए होमवर्क देखना है क्वेश्चन करो, जी सोल्यूशन देखना है सर, तो मार्क स्कीम से देखना है जाके, और उससे भी कुछ समझना है तो फिर मैं बताऊंगा। और ठीक अगर है थ्योरी का सर, आंसर नहीं मैच करा ना मार्क स्कीम से, तो फिर मुझे दिखाना है, सही है? जी सर। ये बात याद रखना। सर इसमें चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 अकाउंटिंग ऑफ नॉन करंट एसेट्स, तो ये इसमें डेप्रिसिएशन सर है, नेव ये डेप्रिसिएशन है। अच्छा कंट्रोल अकाउंट्स एंड रिकंसिलिएशन के नाम से कोई टॉपिक दिया हुआ होगा उसने। कंट्रोल अकाउंट। जी सर कंट्रोल अकाउंट्स का ये है, हाँ तो वो ट्रॉट के नाम, ट्रॉट का क्वेश्चन होगा उसमें नवंबर 17। नवंबर 17। जी सर नवंबर 17 है। मिल गया ना ट्रॉट, जी सर, P21 क्वेश्चन 1 या P22 क्वेश्चन 2? P22 क्वेश्चन 2। एक मिनट सर, Page 73। अब तुम इसमें से देखो, ताकि मैं ना फिर कंट्रोल अकाउंट बनाऊं। मैंने क्वेश्चन मोबाइल में खोला हुआ, इसलिए मेरे लिए मसला नहीं है, सही है जी? अच्छा जी सर, ये सर फिर ये मतलब अगर मैं ये पास पेपर सर रिटर्न करवा के ईयरली ले लूं तो वो सही रहेंगे? देखो, ईयरली बहुत एक्सपेंसिव पड़ेंगे, स्पेशली जो वो कैम्ब्रिज के ही पेपर प्रिंट आउट कर देते हैं ना। मैं तो एक आसान तरीका बताऊं, ये जो लैपटॉप तो है ना तुम्हारे पास, ये अपना सिस्टम होगा, टैबलेट फोन है सर? सर भी नहीं है। नहीं, मोबाइल से ना, अब मेरी तो आदत है, लेकिन मैं स्टूडेंट्स को थोड़ा डिस्करेज करता हूँ, क्योंकि मोबाइल में चीज़ें मिस हो जाती है, सही नहीं देख पाते बच्चे क्वेश्चंस ना, तो इसको जी यूज़ कर लो, मसला नहीं है, बस सॉल्यूशन नहीं देखो उसका, सॉल्यूशन अलग से दिया हुआ होता है ना, इसीलिए मैं अलाउ करता हूँ वक्त नुमान मलिक की। ठीक है सर।
जहाँ क्वेश्चन जब कर रहे होते हो तो वहां तो कुछ सॉल्व नहीं किया हुआ होता ना, वो तो आगे किया हुआ होता है, तो बस वहाँ वो जी सेक्शन अवॉइड करना है इसका, बाकी कोई मसला नहीं है। पैसे जाए करने की जरूरत नहीं है, कोई बुक लेके नहीं, इसी को यूज करो, बस सोल्यूशन ठीक मार्क्स स्कीम से देखो जाके। और मार्क्स स्कीम तो खोल सकते हो मोबाइल में, कोई मसला नहीं है। जी मैं भी ये नहीं कह रहा कि अलग से खरीद के बैठ जाओ, पैसे जाए करो, वेबसाइट में डले हैं वहीं से देखो। जी सर और 1 सेकंड 2 मिनट देना बस, मैं भी इसमें कंट्रोल अकाउंट करता हूँ उसका। सही है, एरर्स तो है ना तुम्हारे सामने अब। जी सर शुरू करूँ मैं? जी क्योंकि थ्योरी में ये भी पॉसिबिलिटी है कि स्टूडेंट बाजू का ज़्यादा अच्छे पॉइंट ला रहे होते हैं, जो कि ये रेड स्पॉट में इसमें नहीं होते नुमान मलिक में, मगर जब वो नुमान मलिक में दिया हुआ नहीं होगा तो बच्चे समझेंगे कि हमारा आंसर अच्छा नहीं है, तो उसके लिए एक्सेप्टेड और वैलिड पॉइंट सीआईए ने ऑलरेडी क्लॉज दिया। अच्छा, ये पहला एरर जो है ना, ये सेल्स को हमने ओवरस्टेट किया था, तो अब इसको मुझे जी क्रेडिट सर करना है, या तो अगर मुझे 3420 को क्रेडिट करना है तो मैं ऐड में लूँ या लेस में लूँ? एरर 1 की अमाउंट क्रेडिट करानी है ना, तो वो ऐड में आएगी या लेस में आएगी? सर ऐड में देखो दोबारा बता रहा हूँ, अगर कोई चीज़ ये अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट होते हैं, इनके डेबिट नेचर होती है, इनके डेबिट बैलेंसेस होते हैं, तो अगर कोई चीज़ जी इनमें डेबिट होती है तो वो ऐड की जाती है, अगर कोई चीज़ इसमें क्रेडिट होती है तो वो लेस की जाती है, क्योंकि क्रेडिट करने से ना उसका बैलेंस कम होता है। और पहले बेसिक्स मैंने एक चीज़ बताई थी कि एसेट जब क्रेडिट होता है ना तो वो रिड्यूस होता है, अगर एसेट को रिड्यूस करना हो तो कोई चीज़ उसमें क्रेडिट की जाती है, तो ये जी है सर करंट मुझे एसेट, पता तो ये करंट एसेट के अकाउंट होते हैं, तो इसलिए इसमें ये लेस किया जाएगा, क्रेडिट में आएगा। एरर 2 कंट्रोल अकाउंट का नहीं है, एरर 3 है इंटरेस्ट ओमिटेड, दोनों जगह एडजस्टमेंट की जाएगी इसकी। सेल्स रिटर्न जर्नल एडमिन ओवर कास्ट, ये भी डेबिट होगा। डिस्काउंट अलाउड हैज बीन कंप्लीटली ओमिटेड, सर कल तो कोई क्लास नहीं है ना हमारी। ट्यूसडे को होगी। ठीक है सर। हसन लेकिन कह रहा था कि सर हम मंडे को रख लें, लेकिन आज वो आया नहीं क्लास पे, तो उसे जरा पनिशमेंट देना जरूरी है, तो इसीलिए। अच्छा हसन कह रहा था कि ट्यूसडे का जो मैंने फाइनल किया ना स्लॉट, वो हम मंडे का रख लें, तो ये चीज़ मुझे अभी पोस्ट करनी थी ग्रुप में, तो इसमें अगर तुम लोग सब एग्री करोगे तो फिर ट्यूसडे की क्लास ना मंडे को रख लेंगे, तो बस मंडे और वेडनेसडे हुआ करेगी क्लास तुम लोगों की वीक डेज में, बाकी सैटरडे संडे एज यूजुअल। तो सर कल तो मंडे पॉसिबल नहीं हो सकता है मेरे लिए क्यों, तुम्हारी क्लासेस होती है क्या? जी। मतलब सर कल तो मेरी क्लास मतलब कल सिर्फ कल के लिए पॉसिबल नहीं। अच्छा वैसे मंडे को अवेलेबल हो गए ना नेक्स्ट वीक से, जी। बस सही है, अभी ट्यूसडे को ही लेंगे, हर ठीक है सर। शाम रिकॉर्डिंग देख लेगा, अब क्या करें।
अभी जब इनके हिसाब से क्लास रखो तो कौन सा शो अप करते हैं, इसीलिए रिसीट फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स ओवरकास्ट पे 18965 से तो डेबिट ही कर देंगे बस, सही हो गए इसके एरर, तो क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं इसका। सर इस क्वेश्चन के बाद क्लास एंड कर सकते हैं सर? मैंने देखो तुम्हारे हिसाब से क्लास शुरू की थी तो कम से कम क्लास तो पूरी लो ना, जो है वैसे ही तुम लोग चीजें भूले हुए हो, स्टडी किया नहीं है, मुझे टॉपिक खत्म करना है हर हाल में, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक शुरू करना है हर हाल में मुझे नेक्स्ट क्लास से। तो 5 बजे से पहले तो 5 बजे क्लास खत्म हो जाएगी, मैं सोचता तो भाई 5 के ठीक बाद ही है जाना है ना, जी, तो ऐसी डिमांड्स तो कम से कम नहीं करो। अब तुम खुद देखो टाइम कम है, मुझे एक दिन में काम कराना है ज्यादा, हर एक हद तक, ओके सर। क्योंकि मेरे लिए तो आसान है, कि मैं जान छुड़ा हुआ बंदा होता तो मैं कह देता अच्छा है चलो ये कट रहे हैं तो मैं कटा दूँ उनको। अभी तो पता है कोर्स बहुत ज़्यादा बड़ा है अकाउंट्स के एएस का, इसका मसला ये है ई कॉर बिजनेस के बहुत छोटे हैं एएस के कोर्स, तुम लोग के आराम से होंगे 2 महीने भी पढ़ लोगे अगर, तो 50,000 लग जाती है अकाउंट्स का कोर्स खत्म कराने में। A2 भी बहुत बहन है, ASB वंस का बहुत बड़ा है। अच्छा ये मैंने निकाल दिया 85490, सही है, जी सर, एक सेकंड जरा रुकना। ये तुमने नोट डाउन कर लिया सारा, या पिक्चर ले ली इसकी? एक मिनट सर, मैं पास पेपर्स में नोट डाउन कर लेता हूँ। पास को कर लो 2 मिनट ना जल्दी। और अभी तो कॉस्ट अकाउंटिंग भी है तुम लोग की, वो भी एक अलग चीज है पूरी। हाँ नोट डाउन कर लिया इतना वलीद? जी सर, बस एक मिनट। जी सर, हो गया। तुम जरा एक काम करो,
अब तुम ये करो सेल्स लेजर बैलेंस, और जो कंट्रोल अकाउंट का आंसर आया ना 85490, उसके बराबर इक्वली जी तुम्हारा भी आंसर आना चाहिए इसमें। अबे तुम्हें एरर तो एक्सप्लेन ऑलमोस्ट कर ही दिया, तो थोड़ा करने की कोशिश करो उसको जरा। सर इस ये ऊपर वाले में जो आपने जो सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट में सेल्स जर्नल एरर जो लेस में आपने 3420 लिखा है सर, वो कहाँ कैसे लिखा आपने? वो तो कंट्रोल अकाउंट का एरर था ना, ये तो बताया था कि सेल्स जर्नल की अगर वो बात कर रहा है ना, तो इसका मतलब गलती कंट्रोल अकाउंट्स में की गई है टोटल, और टोटल तो उसने खुद बोल दिया, और कंट्रोल अकाउंट में टोटल्स ही जाते हैं, ठीक है सर। तो इसका भाई सेल्स लेजर से ताल्लुक नहीं है। This owner check. सर यहाँ पे जैसे ये डिसऑनर्ड चेक है तो इसको हम डिसऑनर्ड चेक लिखेंगे डिस्क्रिप्शन में। हाँ, क्योंकि ये वो टी अकाउंट नहीं है, ये वो स्टेटमेंट है, इसलिए डिसऑनर्ड चेक एरर या डिसऑनर्ड चेक लिख दो, इसमें चलेगा। टी अकाउंट वाला कराता हूँ उसके बाद, वही स्टेटमेंट में भी मांग सकता है, और या वो टी अकाउंट बनवाएगा, तो टी अकाउंट में पोस्टिंग सही से करनी होगी। कल तो मैं एग्जाम में रिपोर्ट्स भी दिखाया था मैंने। जी सर जो सेल्स लेजर में जो डेबिट होता है वो ऐड में आता है ना सर? क्या चीज? हाँ दोबारा बोलना, रिपीट करना। सर जो क्या बोलते उसको जो चीज सर सेल लेजर में डेबिट में होती है वो उसकी अमाउंट ऐड में आती है ना सर? हाँ, और सर ये इररिकवरेबल डेट जो है एरर 7 इसकी वैल्यू सर किस में आएगी? एड में लेस में, ये समझ नहीं आ रहा। हाँ, ये क्रेडिट होता है ना कंट्रोल अकाउंट में या सेल्स लेजर में, जी तो अगर क्रेडिट कोई चीज हो रही है तो अभी मैंने बताया 1-2 मिनट पहले, लेस तो वो लेस में आएगी। में आएगी। सर इसमें सिर्फ यही 2 एरर आएंगे सेल लेजर बैलेंस में, एक ये है। अच्छा, इंट्री एरर के बाद टू जो है और एरर कंप्लीटली ओमिटेड सेवन फ्रॉम है द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एरर्स है, वो तो दोनों जगह आते हैं, अभी बताया था मैंने। उनकी कंट्रोल सर। अकाउंट में सॉरी दोबारा जो रिपीट कर सकते हैं? एरर्स कंप्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट वाले एरर्स है ना,
तो वो कंट्रोल अकाउंट में भी करेक्शन उनकी की जाती है और इसके अलावा सेल्स लेजर में भी उनकी करेक्शन की जाएगी। ठीक है सर। सर इसको हम डिस्क्रिप्शन में इसके क्या क्या कैसे लिखेंगे इसे? ये बैड डेट की रिकवरेबल डेट की बात कर रहे हो? ये एरर 6 जो है, जो मतलब वो है क्या बोलते उसको, नहीं एरर 6 नहीं सॉरी एरर 5 जो है, डिस्काउंट अलाउड, कंप्लीटली ओमिटेड, डिस्काउंट अलाउड लिख दो बस खत्म। Interest charged 720. हो गया सर, बैलेंस हो बराबर हो गया, उसके इक्वल आया। एक मिनट हाँ वलीद, बैलेंस हो गया? सर एक मिनट सर, कर हाँ हाँ कर लो, मसला नहीं, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, ले लो टाइम। जी सर। सर आप एक चीज बता सकते हैं मुझे? क्या चीज? हाँ हाँ पूछो। सर ये जो सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट में जो आपका 85490 आया ना, ये सर हाँ। आपने ये जो सारी जो वैल्यूज थी इनको प्लस करके फिर 93 से माइनस किया, 93 80 185 से? देखो मैंने तो वन बाय वन ये किया, जो चीज फिगर ऐड हो रही थी वो उसमें ऐड कर दी जो 93185 दिया हुआ है, और जो चीज लेस करा जी दी थी वो लेस करा दी, इस तरह वन बाय वन प्लस माइनस करके 85490 निकाल दिया मैंने। एक मिनट सर, 93
सर जो ऐड हो रही थी ना उसको उन जैसे 720 4560 और 18965 ना, इन तीनों को आपने ऐड किया और फिर 93185 में ऐड कर दिया ये तीनों आपने। हाँ और जो सर फिर जो ये लेस थे उसका आपने क्या किया सर? वो माइनस करा दिए बस। तो सर मैं भी यही कर रहा हूँ लेकिन मेरा 85490 तो नहीं आ रहा। अच्छा तो तुम अपना तो अपनी मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करो अपने। नहीं जो आपने किया जो सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट जो आपने किया मैं वो कर रहा हूँ सर, उसको मैं चेक कर रहा हूँ कि वो कैसे निकला, फिर मैं अपना वाला आंसर क्रॉस चेक कर रहा हूँ। तुमने नोट डाउन किया है ना आंसर, उसमें जो चीज पहले ऐड हो रही वो ऐड करा दी, जो पर माइनस हो रही पर माइनस, फिर प्लस पर माइनस, मैंने इस तरह किया, मैंने वन बाय वन किया। तो तुमने सॉल्यूशन मेरा नोट किया ना उसको देखो गौर से, उस पे पहले जो सर मैं वो ही देख रहा हूँ सर। माइनस हो रही है फिर जो ऐड हो रही है वो ऐड हो रही है, इस तरह कर रहा हूँ मैं सीक्वेंस में, प्लस माइनस किया है। जी सर क्लोजिंग बैलेंस वही आ रहा है, क्लोजिंग बैलेंस 85490 आ रहा है। हाँ तो मैंने तो सेल्स लेजर बनाने को कहा था ना, तो उसे जल्दी बनाओ ताकि हम आगे बढ़े सर। वो उसका भी वही आ रहा है, वही इक्वल हो गया ना, समझ आया थोड़ा तुम्हें क्या जी लगता है? सर जी। देख लो अब, और नहीं इसमें और कुछ नहीं है, तो 4 मार्क्स की रट्टे वाली थ्योरी है, उसे बाद में बात कर सकते हैं। जी सर अच्छा अगले मंगलवार को। अच्छा ये क्वेश्चन लिस्ट में लिख रहे हो ना, क्वेश्चन तुम लोग जो मैं करा रहा हूँ, जी सर क्वेश्चन लिस्ट में नोट करते रहो। अच्छा परचेजेस लेजर की ना एंट्रीज डिस्कस नहीं की, पास का दोनों साथ भी आ जाते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिसमें दोनों दिए हुए होंगे उसने। अच्छा एक चीज तो बताई थी कि परचेजेस लेजर ना अकाउंट्स पेबल, टोटल अकाउंट्स पेबल का अकाउंट होता है, सही है? और अकाउंट्स पेबल याद है किस चीज के लिए बनता है अकाउंट्स पेबल का अकाउंट? सर दोबारा रिपीट कर देंगे। हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो अकाउंट्स पेबल का अकाउंट है वो जी किस चीज के लिए बनता है? अकाउंट्स पेबल का बिल्कुल शुरू बेसिक्स में बताया था शुरू में। अब सर मतलब जो अकाउंट्स पेबल मतलब सर जैसे जो लायबिलिटी होती है वो हम जो देते हैं। लाइबिलिटी हम देते हैं किस चीज की लाइबिलिटी होती है? लाइबिलिटी तो और भी बहुत सारी होती है अकाउंट्स में, ये कौन बिलखुसूस किस चीज की लाइबिलिटी है अकाउंट्स पेबल? मतलब जो चीज हमने जैसे क्रेडिट पे उठाई होती है उधार पे उसके पैसे देने की। सही है बिल्कुल। तो कुछ तो हमने बेसिक अकाउंट एंट्रीज में भी इसकी एंट्रीज की थी, तो ये अब इसकी एंट्रीज होती है टोटल अकाउंट्स पेबल अकाउंट की। सबसे जी सर पहले जनाब है क्रेडिट परचेजेस, परचेजेस एक्सपेंस होता है तो वो तो डेबिट होगा, परचेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट या अकाउंट्स पेबल क्रेडिट होगा, सही है? अगर क्रेडिट पे सामान खरीद रहे तो देखो ये म्यूट नहीं किया करो, म्यूट नहीं करना अपना माइक, वैसे टाइम वेस्ट होता है फिर अनम्यूट करवाने में। अच्छा उसके बाद है क्रेडिट परचेजेस रिटर्न, मैंने पहले भी बताया था कि परचेजेस रिटर्न हमेशा क्रेडिट होती है, और अब सप्लायर को सामान वापस कर रहे हैं तो हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है, तो इसलिए परचेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सही है? यस सर
अच्छा, उसके बाद है पेमेंट टू सप्लायर्स, बैंक के कैश ऑब्वियसली क्रेडिट होगा और सप्लायर को पे करे तो लाइबिलिटी कम हो रही है, लाइबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो वो डेबिट होती है, तो इसलिए परचेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट किया जाएगा। अच्छा फिर है डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम होती है तो वो तो क्रेडिट होगी। अच्छा सप्लायर से हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो हमें उसको ना कम पे करना पड़ रहा है, तो हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है, लाइबिलिटी कम होगी तो वो डेबिट होगी, तो इसलिए परचेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट किया जाएगा इस केस में। अच्छा ठीक है सर। अगर हम सप्लायर को लेट पे कर रहे हैं तो सप्लायर हमसे इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस तो जी डेबिट होगा। अच्छा हमें अकाउंट्स पेबल को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा तो लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो परचेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। अच्छा ये बात याद रखना कि ये अकाउंट्स पेबल का अकाउंट होता है, ये परचेजेस का अकाउंट नहीं है, परचेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट, अकाउंट्स पेबल है ये, जी सही है। ठीक है कॉन्ट्रा सर सेट ऑफ को याद रखो, परचेजेस लेजर में डेबिट, सेल्स लेजर में क्रेडिट, सही है, ये रट्टा एंट्री है। सही। अब एक रह गई कि रिफंड अगर सप्लायर को कर रहे हैं, सपोज करो सप्लायर को मुझे 1,000 रुपये देने थे, तुमने 1,500 दे दिया, सही है, जी सर तो तुम्हें सप्लायर से 500 रुपये वापस मिलने चाहिए, जी तो सप्लायर से एक्स्ट्रा पैसा वापस आएगा तो बैंक के कैश तो डेबिट होगा, और सप्लायर को पहले हमने पे किया था तो हमने परचेजेस लेजर को डेबिट किया था, तो अब वो वापस क्रेडिट करना पड़ेगा, सही है। सही है तो सप्लायर की एंट्री उसकी उलट ना, ये रिफंड्स की एंट्री है, सही है। क्वेश्चन तो उसके छोटे होते हैं, कौन सा व्यू हो रहा है ये। अच्छा एक छोटी सी चीज समझानी थी, ये भी आ सकती है क्वेश्चंस में ना, ये अकाउंट्स पेबल से एग्जांपल्स और सेल्स लेजर से देते हैं। अकाउंट रिसीवेबल का तुम्हें पता है कि उसके डेबिट बैलेंसेज होते हैं क्योंकि वो डेबिट नेचर का अकाउंट है, तो ये ओपनिंग बैलेंस होगा, फिर ये अपोजिट साइड में क्लोजिंग बैलेंस आएगा, ये चीज तो तुम्हें पता होगी। यस सर। लेकिन कभी कभी हो सकता है कि जबकि ये तो हमारा एसेट का अकाउंट है, करंट एसेट होता है अकाउंट रिसीवेबल, उसमें फिर क्रेडिट बैलेंस क्यों है, सर क्या पूछना है आप, दोबारा एक बार रिपीट कर दें, मैं क्वेश्चन समझा नहीं आपको। बैलेंसेस लिखे ना मैंने, ये जी तो एसेट का अकाउंट है ना, तो उस पे तो डेबिट बैलेंस होना चाहिए, तो अभी इस पे क्रेडिट बैलेंस कैसे हो सकता है जो मैंने ब्लू से 500 लिखा है बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। हो सकता है कभी कभी भी है कि हो सकता है क्रेडिट बैलेंस भी हो उसमें छोटा सा ना, तो ये ना एबनॉर्मल बैलेंस से माइनर बैलेंस कहलाते हैं, सही है। सही है सर। नॉर्मल बैलेंस से मेजर बैलेंस ही डेबिट बैलेंस ही होगा। अब इसके कुछ रीजन होते हैं, पूछ भी रहा होता है। कि हमने कस्टमर ने ना हमें एडवांस में पेमेंट कर दी, लेकिन हमने भी उसके गुड्स डिलीवर नहीं किए या उसका काम नहीं किया, तो अब हम पे ना उसका काम जी करने की लाइबिलिटी है या उसे सामान पहुंचाने की लाइबिलिटी है, तो इसलिए क्रेडिट बैलेंस आ सकता है अकाउंट रिसीवेबल में। या कस्टमर ने हमें ज्यादा पे कर दिया, हमने उसके पैसे रिफंड नहीं किए, तो स्टिल हमारे लिए लाइबिलिटी है, और या किसी एरर यस फ्रॉड की वजह से ये एबनॉर्मल बैलेंस हो सकता है इसमें, सही है। अच्छा अच्छा यही सेम चीज अकाउंट्स पेबल के भी यूज कर लेते हैं कि उसके नॉर्मल बैलेंसेस ये क्रेडिट बैलेंसेस होंगे, सही है, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड यहाँ और बैलेंस सीडी यहाँ, क्योंकि अकाउंट्स पेबल लाइबिलिटी होती तो उसके क्रेडिट बैलेंस होने चाहिए, है ना, यस सर। उसमें हो सकता है डेबिट बैलेंस हो,
अकाउंट्स पेबल में। तो ये हमारे लिए सॉर्ट ऑफ रिसीवेबल्स रिप्रेजेंट करते हैं। उसकी वजह ये कि हमने सप्लायर को एडवांस में पैसे दे दिए लेकिन उसने हमें गुड्स नहीं पहुंचाए, तो अब हमारे लिए रिसीवेबल है सप्लायर से, तो इसलिए डेबिट बैलेंस आ सकता है। या हमने सप्लायर को एक्स्ट्रा पे कर दिए, उसने हमारे पैसे वापस नहीं किए, तो ये हमारे लिए रिसीवेबल है सप्लायर से, तो या कोई एरर और फ्रॉड होंगे, तो इन रीजंस की वजह से ना डेबिट बैलेंस माइनर या एबनॉर्मल बैलेंस हो सकता है अकाउंट्स पेएबल में। सही है? सही है सर। इतने काम करेंगे ज्यादा अच्छा है। अवली पहले जितनी इंफॉर्मेशन नजर आ रही है उसको रीड करना शुरू करो। एडिशनल इंफॉर्मेशन एट 31st December 2018 चैंग्स बुककीपर prepared a purchase ledger control account and a sale ledger control account. However, the balance of the control accounts did not agree with the total of the individual balances recorded in the relevant ledgers. The detail was as follows. अभी फिलहाल purchase ledger की चीजों को ignore करेंगे, अभी सिर्फ sales ledger को consider करेंगे, सही है? ठीक है सर। अच्छा, तो sales ledger का देखो, ये control account का भी दिया हुआ है और टोटल ऑफ लेजर अकाउंट्स भी दिया हुआ है उसने। अब वलीद कोई मसला नजर आ रहा है सेल्स लेजर में? देखो कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस कुछ और है, लेजर अकाउंट का बैलेंस कुछ और है, सही है जी। अब एरर्स पढ़ना शुरू करेंगे और परचेजेस लेजर के इग्नोर करने, सही है? पहले तो एरर वाले एरर वन पढ़ना वलीद। कैश सेल्स ऑफ $480 हैड बीन रिकॉर्डेड इन द सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। अच्छा, तो मैं लगता है कैश सेल्स आनी चाहिए सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में। नहीं, क्योंकि सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट या अकाउंट रिसीवेबल में सिर्फ क्रेडिट सेल्स आती है, सही है? ये बात याद रखना जी। तो ये बिला वजह हमने सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में कैश सेल्स ले ली, तो ये करेक्शन कैसे हो सकती है कंट्रोल अकाउंट में? कंट्रोल अकाउंट में देखो, पहले तो ये बताना चाहिए कि सेल्स रिकॉर्ड कर लिया हमने उसको ना, कैश सेल्स को, तो उसने लिया कहाँ होगा सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में? डेबिट साइड में लिया होगा या क्रेडिट साइड में लिया होगा, पहले तो हमें ये सोचना होगा। डेबिट साइड।
आता हुआ इसकी करेक्शन कैसे हो सकती है? सर वो क्रेडिट साइड पे भी डाल के इक्वल कर दे, वो होगा या नहीं? हाँ वही होगा। अच्छा एरर टू इग्नोर करेंगे क्योंकि वो है ही परचेजेस लेजर का। अब एरर थ्री में आओ। अच्छा नहीं अकाउंट ऑफ अ कस्टम, ये भी उसका है, क्या कहते हैं अपना परचेजेस लेजर का एरर फोर में आओ, बल्कि ये भी नहीं है, बस सही फाइव में आओ। अ डिसहोनेड चेक ऑफ $394 हैड बीन करेक्टली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट हैड बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड सो द टू द कस्टमर्स अकाउंट। Dishonored check of 394 had been correctly recorded in the cash book. अच्छा cash book का मतलब है कि control account में तो हमने सही लिया dishonored check को, सही है? जी मैंने बताया था cash book का मतलब ही control account है, सही है? अच्छा customer apostrophe s वाला customer है, तो इसका मतलब क्या है? कि हमने भंड का मारा है। भंड सर सेल लेजर में। शाबाश सही है। अच्छा और डिसऑनर्ड चेक को ये पता है कि डेबिट करते हैं क्रेडिट करते हैं उसमें? डेबिट करते हैं सर। हाँ और उसने क्या किया है लक्कन ने? क्रेडिट। अच्छा यार ये चीज तुम लोग को भी पता नहीं होगी, यदि इसको फिलहाल रट लो, सस्पेंस में इसकी डिटेल में जाता हूँ मैं। एक होता है एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल, कभी नाम सुना इसका? नहीं सर। तो टीचर से पढ़ रहे थे। नहीं अगर मैंने किसी चीज को डेबिट कराना था और उसे क्रेडिट करा दिया तो ये होता है एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल, रिवर्स में एरर कर दिया, सही है मैंने? यस। अभी सस्पेंस पे क्योंकि चीज मुझे दोबारा पढ़ानी होती है, तो अभी इस चीज को रट लो कि अगर मैंने एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल किया ना, किसी डेबिट वाली चीज को क्रेडिट किया, तो अब इसको इसकी करेक्शन कैसे होगी पहले तो तुम ये बताओ। डिसऑनर चेक की मैंने क्रेडिट कराते थे, जब डेबिट करना चाहिए तो उसकी करेक्शन कैसे होगी? सर इसकी करेक्शन मुझे डेबिट करना चाहिए था ना, मैंने क्रेडिट कर दिया, तो मैं इसको सही करने के लिए क्या करूं पहले? सर कंट्रोल अकाउंट मतलब वो जो सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट में भी इसको आपको सही करना पड़ेगा। कंट्रोल अकाउंट में करना ही नहीं है कुछ, क्योंकि कह दी करेक्टली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, इसका मतलब है कि कंट्रोल अकाउंट में तो हमने इसको सही रिकॉर्ड किया है, लेकिन कस्टमर के अकाउंट में गलती की है और डेबिट करना चाहिए था, माशाल्लाह से हमने क्रेडिट करा दिया, तो पहले तो ये बताओ कि इसकी करेक्शन कैसे होगी, सोचो थोड़ा सा। सर इसको भी दूसरी साइड पे डेबिट साइड पे लिख के इक्वल करके कैंसिल कर देंगे। इक्वल नहीं, क्योंकि हमें कैंसिल आउट नहीं कराना है, हमें अमाउंट रिकॉर्ड करानी है डेबिट साइड में, तो जब भी ये एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल हो ना तो अमाउंट हमेशा डबल करनी है, सही है? अभी ख्याल से याद रखो उसको, ठीक है सर? डेबिट करना चाहिए था क्रेडिट कर दिया, तो जब हम उसको डेबिट करेंगे ना करेक्शन के लिए तो डबल अमाउंट से करेंगे, सही है? सही है सर। बाकी मैं सस्पेंस में समझाऊंगा लॉजिक क्या है इसकी, ठीक है सर? तो पहले ये करना है, इसको छोड़ दो, एक तो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाओ तुम, और उसके अलावा ये सेल्स लेजर की भी करेक्शन करनी है तुम्हें, सही है? तो ये 5 मार्क्स का काम है, ये कर लो तुम पहले। परचेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट पे, परचेजेस लेजर में बाद में बात करते हैं, सही है? 10 मिनट है तुम्हारे पास, क्योंकि एरर सिर्फ 2 है।
सर ये क्वेश्चन कौन सा? ये है S19 QP23 जून 2019 पेपर 23 क्वेश्चन 3। तो बताइए मलेशिया का पेपर होता है ये? और जी सर, ये मलेशिया रीजन का और ऑस्ट्रेलिया का 2-3। और भी सर इसमें अब क्या करना है सर? तो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाओ जो यहाँ रिक्वायरमेंट थी। सर इसमें तो स्पेस ही नहीं दिया वो बनाने का। कॉपी रजिस्टर में सॉल्व करो ना। ओके सर। भाई कैसे रजिस्टर प्रॉपर सॉल्व करने, इस तरह बुक्स में नहीं करने। और इसके अलावा फिर ये सेल्स लेजर की भी करेक्शन करो, सही है? पहले ये काम करो, उसके बाद परचेजेस लेजर पे बात करते हैं। वैसे तुम रहते कहाँ कराची में? सर क्लिफ्टन साइड पे। क्लिफ्टन साइड में, सही। चलो तुम लोगों के मॉक का पेपर कब लगता है? सर जो इसमें जो ये दो एरर है ना, एरर 1 और 5, सिर्फ इन दोनों को ही वो करना है? हाँ, और स्पेसिफिक ये जो कंट्रोल अकाउंट का एरर है उसकी कंट्रोल अकाउंट में करेक्शन करनी है। जो इंडिविजुअल कस्टमर के अकाउंट में गलती की है उसकी सेल्स लेजर में करेक्शन करनी होगी। बस आसान सा है बिल्कुल, सोते हुए भी कर ले बंदा। जल्दी करो उसको, उसके बाद अगर इक्वल दोनों आते हैं तो उसका मतलब सही किया तुमने, सही है? जी सर। सर ये नहीं समझ आ रहा सर। क्या समझ नहीं आ रहा? मतलब सर इसकी कैसे एंट्री होगी सर? अच्छा, इसमें टी अकाउंट बनाना है। चलो मैं सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट करता हूँ, सही है?
जी सर। अच्छा क्योंकि इस पर टी अकाउंट बनाना है। सबसे पहले तो हमने कैश सेल्स की गलती करी है। ये हमें जब कैश सेल्स होती है तो कैश डेबिट होता है, रेवेन्यू क्रेडिट होता है, तो हमें कैश पे डेबिट कराना चाहिए था, हमने अकाउंट रिसीवेबल में कर दिया। तो अब यहाँ से हम क्रेडिट कर देंगे और कैश अकाउंट में डेबिट करा देंगे कैश सेल्स को, सही है? जी सर। अब इसमें एक ही एरर की करेक्शन थी, क्योंकि डिसऑनर चेक ना सेल्स लेजर में करेक्शन होगी उसकी, तो बस इसके बाद बैलेंस शीट आ जाएगा, था ही नहीं। ये समझ आ रहा है? तो मैं यहाँ जरा वो नैरेटिव सही देने होंगे, टी अकाउंट है क्योंकि, और आज कोई आप बैलेंस जी सर करना है यार, ये हारी लगती है कम से मुझे भी। सही, ये तो क्लियर है ना तुम्हें इतना? अब जब तुम सेल्स लेजर बनाओ ना तो वो इसके बराबर आना चाहिए 11905 के, सही है? जी सर। ये पिक्चर लो जल्दी। ले ली सर। सही है। अच्छा अब जो सेल्स लेजर है ना उसमें वो टी अकाउंट बनवाता ही नहीं है, वो स्टेटमेंट ही बनवाता है उसमें, यहां से उसे टोटल कैलकुलेट करने। तो ये तो तुम सेल्स लेजर खुद कर लो आराम से, स्टेटमेंट फॉर्म में करना है, इसमें कोई टी अकाउंट का मसला नहीं है, सही है? 11905 आंसर आना चाहिए तुम्हारा बच्चे। सर स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे? वो जैसे ओपनिंग बैलेंस लिख दो, फिर एट दिस ओवरस्टेटेड दिस ओमिटेड, इस तरह करेक्शन करनी होती है इसमें, सही है? प्लस माइनस करके। पिछले जब हमने क्वेश्चन किया ना उसमें स्टेटमेंट फॉर्म में कंट्रोल अकाउंट तक बनवा रहा था वो, वही काम यहाँ भी करना है, सही है? सर ट्राई करता हूँ सर, हो गया तो सर। ट्राई तो करो ना, तभी तो आएगा। ट्राई तो करो पहले, ऐसा एक सम पानी पी लूं। जी सर। सर तो ये अभी जो हमने ऊपर जो ये बनाया ना, ये भी सेल्स लेजर अकाउंट था, नहीं ये सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट था।
सर हाँ बोलो सर, ये ऊपर जो हमने बताया बनाया ना, ये सेल लेजर अकाउंट है ना, और ये भी सेल लेजर अकाउंट है। वो ऊपर तो कंट्रोल अकाउंट था भाई, जो है ये है सेल्स लेजर, जो इंडिविजुअल कस्टमर के अकाउंट की जो गलती है ना वो यहाँ ठीक की जाएंगी। इसमें ओपनिंग बैलेंस कौन सा लेंगे? इसमें सर ओपनिंग बैलेंस इलेवन वन सेवन। हाँ हाँ यही लेंगे इसमें। जरा सा 10 मिनट मुझे और सेलो तो परचेजेस लेजर भी कर दूंगा, जान छूट जाएगी और टॉपिक हो जाएगा कसम से ना, और फिर होमवर्क में ऐसे क्वेश्चन दे दूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। परचेजेस लेजर बहुत कम दिया इसने साले ने। जी सर। सर ये कैसे इसको थ्योरी में लिखना है सर, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। हाँ दोबारा बोलना। ये सर थ्योरी में कैसे लिखना है मुझे ये समझ नहीं आ रहा। थ्योरी नहीं, स्टेटमेंट फॉर्म में बनाना है। जैसे ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट करो 11,117, फिर उसमें जो भी रिस्पेक्टिव एरर है उसको ऐड या लेस करके शो कर दो बस। जैसे डिसऑनर चेक का एरर है तो बस लिख दो डिसऑनर चेक एरर या डिसऑनर चेक ओवर्स, डिसऑनर चेक एरर लिख दो सिंपल, और वो जो भी प्लस या माइनस करना वो करके दिखा दो, हो गया। स्टेटमेंट फॉर्म में तो आसान होता है कि उसमें टी अकाउंट बनाने की पंचायत नहीं होती। सर नहीं समझ आ रहा सर। यार मैंने करके दिखाया यार पिछले क्वेश्चन में, मतलब कुछ तो कोशिश करो ना, जो है सब मैं बनाता रहूंगा तो फायदा क्या है। अभी पिछले में करके दिखाया मैंने, तुम लोग कोशिश तक नहीं करते जो है। कोशिश तो करो बस, कब 2-3 सवाल में करके दिखाओ। 2 सवाल तो मैंने करके दिखाए। दो क्वेश्चन कराए पूरे मैंने, दोनों में स्टेटमेंट फॉर्म दी, फिर भी तुम लोगों से नहीं हो रहा, तो वो कोशिश ही नहीं करते। सिर्फ एक ही गलती है डिसऑनर चेक की, जो एरर बनता वो तो था ही कंट्रोल अकाउंट से रिलेटेड, वो तो आएगा ही नहीं यार। जी करेक्शन की जाएगी। इसमें डबल करना होगा क्योंकि हमने पहले इसको डेबिट करना था, हमने क्रेडिट कर दिया था, तो अब डबल से डेबिट कराना होगा। एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल है। दो क्वेश्चन करके दिखाए हैं फिर भी नहीं हो रहा तुम लोगों से। दोनों स्टेटमेंट फॉर्म में हो रहा है मैच मेरा, तो ये करना था। स्टेटमेंट फॉर्म में तो और आसान होता है, इतनी सी चीज भी तुम लोग कोशिश नहीं कर सके करने की, जबकि 2 सवालों में करके दिखाया मैंने। तो तुम लोग जरा भाई थोड़ा अपना एटीट्यूड सीरियस करो, वरना तुम लोगों का ज्यादा कुछ बनेगा नहीं खास पेपर में, साफ बात है। और पेपर टफ आ रहे तो तुम लोग वैसे एफर्ट भी करोगा ग्रेड चाहिए, वरना बस ऐसे पास हो जाओगे डी आई से। मैं दिखाऊँ ना, एक चीज दिखाता हूँ, ये समझ आया पहले? जी सर ये समझ आया। इसको नोट डाउन कर लिया? जी सर। सही है, परचेजेस लेजर समझा दूं जल्दी से। अब इसके ये 3 एरर है जी। पहला तो ये वाला है एरर 2, ये वरी एरर रीड करो। अ क्रेडिट नोट फॉर $228 हैज बीन रिकॉर्डेड एज 282 इन बोथ द परचेजेस रिटर्न जर्नल एंड द सप्लायर्स अकाउंट। अच्छा
अब इसने ना क्रेडिट नोट से बोला है परचेजेस रिटर्न जनरल से रिलेटेड और सप्लायर से रिलेटेड है जी। अब परचेजेस लेजर के लिए ना वो अल्टरनेटिव वर्ड यूज करता है, ये मैं दिखा देता हूँ। परचेजेस रिटर्न के लिए क्रेडिट नोट रिसीव और डेबिट नोट इशूड यूज होता है, सही है? Yes. तो उसने वही क्रेडिट नोट की बात वहां लिखी है, और अगर परचेजेस रिटर्न से परचेजेस रिटर्न जनरल से रिलेटेड लिखी तो परचेजेस रिटर्न रिटर्न है, साफ बात है। अब इसने गलती क्या की है परचेजेस रिटर्न के साथ? तो सर उसमें 228 की जगह 282 डाल दिए, तो परचेजेस रिटर्न को हमने ज्यादा ले लिया है। जी तो परचेजेस रिटर्न अकाउंट्स पेबल में क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट डेबिट होता है। तो मैंने डेबिट साइड में बिना वजह ज्यादा ले लिए, तो वो एक्स्ट्रा जो है वो क्या उसकी करेक्शन कैसे करेंगे? और सर क्रेडिट साइड पे भी क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, इन बोथ द परचेजेस रिटर्न जनरल, इसका मतलब हमने कंट्रोल अकाउंट्स पे भी गलती की है, क्योंकि परचेजेस रिटर्न जनरल की जो फिगर है ना वो कंट्रोल अकाउंट पे जाती है, एंड द इंडिविजुअल सप्लायर्स अकाउंट एपोस्ट्रोफी एस है सप्लायर के साथ, इसका मतलब एक सप्लायर के अकाउंट की बात हो रही है, सही है? जी सर। तो इसकी करेक्शन दोनों जगह की जाएगी। चलो ये तो हो गया, ये पढ़ लो, ये तो बहुत ही आसान है, फिर अट्टा है। The account of a customer with a balance of $485 has been set off against his account in the purchase ledger. No record of his transaction had been made in the purchases ledger control account. अच्छा, पहले तो बस ये बात बताओ कि control account में गलती है या purchases ledger में गलती है? Sir, control account. अच्छा, और ये हमेशा कहें ना set off against his account in the purchases ledger और set off against his purchases ledger, तो ये कंट्रा सेट ऑफ की बात कर रहा है, सही है? Yes, तो कंट्रा सेट ऑफ हमेशा डेबिट होगा परचेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट में, इवन चलो अगर परचेजेस लेजर भी होता तब भी डेबिट होता, सही है? Yes, sir. अब जरा ये पढ़ लेना, लास्ट एरर फोर्स के तीन है। इंटरेस्ट ऑफ $67 चार्ज्ड बाय अ ट्रेड सप्लायर on an overdue account had been recorded in had the book of account had not been recorded in the books of account. Acha, ye to humne record hi nahi kiya sir, aise to uska bataya tha uski adjustment kaise hoti hai, ek jagah hogi ya dono jagah hogi? Dono jagah sir. Ha, ye dono purchases ledger control account mein bhi adjust hoga aur what total of ledger accounts mein bhi hoga ye. Acha, ye interest charge jo hai wo अकाउंट्स पेबल में डेबिट होता है क्रेडिट होता है, ये अभी एंट्री में डिस्कस किया हमने सर। क्रेडिट, अब क्रेडिट होता है क्योंकि लायबिलिटी बढ़ती है इंटरेस्ट एक्स्ट्रा पे करने से, सही है? Yes, तो परचेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट मैं कर देता हूँ। यस सर। हमने ना 54 एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर लिए थे परचेजेस रिटर्न में, तो 54 हमने एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर लिए थे, अब ये 54 यहाँ क्रेडिट हो जाएंगे, 282 और 228 के डिफरेंस है, सही है? ठीक है सर। क्रेडिट नोट कंट्रा सेट ऑफ हमेशा डेबिट होता है, इसको तो कंट्रा से कंट्रा लिख दो बस। इंटरेस्ट से लायबिलिटी बढ़ती है। $67 का है, होगा इसके एरर ना।
ये देख लो, इसमें नैरेटिव सही डालना है, टी अकाउंट है, क्योंकि अभी मैं ओपनिंग बैलेंस शो नहीं कर रहा, सीडी को टाइम नहीं है सर। सही, इसको पिक्चर ले ली, इसकी नोट डाउन कर लिया इसको। जी सर। अच्छा अब एक दो मिनट में एक काम तुम करो, फिर क्लास ओवर करते हैं, 2 मिनट का काम है। ये परचेजेस लेजर का करेक्शन तुम करो, सही है, वही स्टेटमेंट फॉर्म बनानी है जैसे सेल्स लेजर के लिए बनाई थी मैंने, सही है। Yes, इसको तुम कोशिश करो जरा, फिर ओवर करते हैं क्लास। परचेजेस लेजर अकाउंट सर, ओपनिंग बैलेंस इसका 18,496 होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ओपनिंग बैलेंस 18,496 हो गया, ठीक है। और सर इसमें कौन सी एरर आएगी? ये डिस्कस कर चुके हैं ना कि कौन सा कहा जाएगा, तो अब देख लो तुम, 2, 3 और 4 इससे रिलेटेड है, परचेजेस लेजर से रिलेटेड है, तो देखो उसमें से जाके डिस्कस कर चुके, अब तुम्हें कम कर लो तो अच्छा है। सर एरर 2 जो है ना वो क्या बोलते हैं उससे 228 की जगह 282 वो कर दिया ना, एंटर कर दिया। हाँ। और जो ना परचेज रिटर्न जर्नल में भी और सप्लायर्स के अकाउंट में भी। तो कंट्रोल अकाउंट में तो मैंने करेक्ट करके दिखाया था, यहाँ तुम कर दो इसको। तो सर इधर भी ये मतलब बोथ साइड पे इक्वल हो, कैंसिल हो के न्यू एंटर हो जाएगा। देखो उसमें सिर्फ डिफरेंस लेना है, मैंने 54 ना ज्यादा ले लिया बिना वजह परचेजेस रिटर्न के, तो वो 54 कम कर दो बस, जो मैंने वहां भी तो वही किया, हमने 54 बिना वजह डेबिट, एक्स्ट्रा 54 डेबिट करा दिए क्योंकि परचेजेस रिटर्न डेबिट होता है, तो अब यहाँ वो ऐड करा देंगे उसको, क्योंकि हमने पहले माइनस ज्यादा कराया था, तो 54 ऐड बैक करना पड़ेगा, सही है, क्योंकि हमने 54 एक्स्ट्रा डेबिट किए होंगे ना, तो हमें 54 क्रेडिट करने पड़ेंगे, तो कोई चीज अगर परचेजेस लेजर में क्रेडिट हो रही है ना, तो वो ऐड होती होती है, सही है, क्योंकि ये लाइबिलिटी का अकाउंट है। तो मतलब सिंपल 282 में से 54 माइनस कर दे। नहीं, 282 और 228 का डिफरेंस 54 है, वो 54 ऐड कर दिया जाएगा यहाँ, सही है। मैंने कंट्रोल अकाउंट में भी तो यही किया था, 54 क्रेडिट किया है, तो वो स्टेटमेंट में इसका मतलब है कि वो ऐड होगा, क्योंकि परचेजेस लेजर में कोई चीज ऐड क्रेडिट हो रही है तो वो ऐड होती है, कोई चीज डेबिट होती है तो माइनस होती है, क्योंकि लाइबिलिटी क्रेडिट होने से बढ़ती है, डेबिट होने से कम होती है। The account of a customer with a balance. सर वो टेबल में सर फाइनल वैल्यू क्या आ रही थी? उसमें कंट्रोल टी अकाउंट में ना 18,617 आ रहा था, वो यहाँ भी आना चाहिए। 18,617
सर जो ये एरर 3 है ना कस्टमर्स बैलेंस 485 तो ये सर माइनस हो जाएगा क्योंकि डेबिट होता है माइनस हो जाएगा ठीक है और जो सर एंड जो जी सर सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है अच्छा जो 485 है ना वो है कंट्रोल अकाउंट का एरर तो वो यहां आएगा नहीं क्योंकि वो फंड ना हमने सब कंट्रोल अकाउंट में मारा है तो भाई ये इस तरह करना है होमवर्क क्वेश्चन सीरियसली जी सर एक तो चौथा एरर्स के साथ क्या करना है जी चौथा एरर इंटरेस्ट ऑफ दिस इज फॉर चार्ज शेयर प्लान ओवर टू अकाउंट सर ये भी इसमें ऐड हो जाएगा हां ये ऐड होगा शाबाश अगर 18617 आ जाए तो बहुत अच्छा है एक मिनट सर प्लस कर लेते हैं 18496 plus 54 plus 67 ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या फर्क है ये पूछ सकता है वो इनवॉइस और रिसीट का फर्क क्या है और ये जो मैंने पढ़ाया है कि सेल्स लेजर में क्रेडिट बैलेंस क्यों हो सकता है और परचेजेस लेजर में डेबिट बैलेंस क्यों हो सकता है भाई ये सब पढ़ना है तुम लोगों को सिर्फ कैलकुलेशन नहीं करनी जी सर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस करूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस ओके मगर वैसे टॉपिक मैंने खत्म कर दिया अब होमवर्क के क्वेश्चन कर लोगे समझ आ जाएगा सही है अभी देखूंगा कुछ देर में तुम लोगों को सही अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ सर